justice. This is the only demand by these hundreds of students who are sitting on the streets of Delhi. They are anguished. They are demanding justice and the justification from the authorities who haven't done anything yet. It's the day three of their protest. They are sitting on the streets in this scorching heat. But what police is doing? Nothing. They have even deployed RPF here with baton sticks, which is totally, totally against the rights of the students. They are protesting peacefully. They are here to question the authorities that do they even have the right to live or not. I am joined by hundreds of students who are ready to speak on camera and ask for their right and justice for the deceased students who passed away a few days ago. Dost, aap log kya demand kar rahe hain? Dekhiye, hamari pehle din se yahi demand hai ki jitne bhi deceased hai unhone abhi tak officially bataye hai 3 hai, lekin hamari hame lagta hai ki zyada hai. क्योंकि जब स्टार्ट आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि एम्बुलेंस जब गई थी, 4 से 5 एम्बुलेंस हमने देखी थी, तो उनमें कौन था हम वो सब जानना चाहते हैं. और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो कि कंपनसेशन हम चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपए कम से कम राव आईएएस दे. गवर्नमेंट ने जो इनिशियली कहते कि इनिशियली उन्होंने 10 लाख रुपए दिए, वी डोंट नो कि 10 लाख में कुछ नहीं होगा. 10 लाख में कुछ नहीं होगा. हम चाहते हैं सबसे पहले राव आईएएस उनको कंपनसेट करे, जितने भी डिसीज थे. और दूसरी चीज हम चाहते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमें दिखाई जाए, क्या थी, क्या हुआ था. वो डिमांड, वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि उसके बाद मतलब जो भी जब पानी भरा था उसके बाद अभी वो नहीं है. तो हम चाहते हैं कि उससे पहले की तो होगी, उससे पहले की सीसीटीवी फुटेज होगी, हमें वो दिखाई जाए. लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा. और अभी तक राव आईएएस ने अपनी गलती नहीं मांगी. दे जस्ट सेड सॉरी. सॉरी तो कोई भी कह देगा, सॉरी से कुछ नहीं हुआ. हम चाहते हैं कि वो अपनी गलती माने. गलती है सबकी. आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपके साथी कह रहे हैं कि एम्बुलेंस आई गई, लोगों ने देखा कि डेड बॉडीज 3 से ज्यादा है, आपको क्या लग रहा है कि इस पे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, डेफिनेटली वही हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं. और देखिए, बात यह है कि उस दिन एम्बुलेंस 5-6 से गए होंगे और सब में थे, तो हमको पता था. और अगर आप लोगों के पास क्लियरेंस है तो बता दीजिए कितना हुआ है, क्यों छुपा रहे हो, क्लियरली बताइए. और बात सिर्फ ये नहीं है, वो तो एक अलग मुद्दा है. बाकी यहाँ पे जो वारंट का जो प्रॉब्लम है रेंट को लेकर, मकान मालिक जो यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स वगैरह है उनका बिहेवियर, और जो भी हर एक चीज, आप फूड में भी देखो, आप कहीं किसी भी शॉप में जाओ कोई भी हाइजीन का मेंटेन नहीं है, लेकिन पैसे भर भर के ले रहा है. सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, कहीं भी फोन कभी भी कोई छीन के लेके चले जाते हैं. कुछ दिन पहले ऐसा सर इंसिडेंट हुआ. सो इतना इकोनॉमिकली रिच एरिया है ये, इतने लोग पैसे दे रहा है, तो कम से कम उसको आपको प्रोवाइड भी तो करना चाहिए ना. दोस्त, आपके साथी सड़कों पे बैठे हैं इतनी गर्मी में. मैंने देखा जब तिरपाल लगाने की कोशिश की गई वो भी हटा दी गई. आपका क्या व्यू है? ये देखिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके मन में कहीं ना कहीं एक दुख है. और रही बात किसी सपोर्ट के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब धूप में बैठे यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं. और बाकी अन्य चीजों की अगर आप बात करें तो भैया ये बताइए, कोई भी यहाँ पे यूनियन हो गया या फिर कुछ भी हो गया, स्टूडेंट की प्रॉब्लम आज से नहीं है भैया, बहुत पहले से स्टूडेंट यहाँ पे झेल रहा है प्रॉब्लम. आज तक कोई पूछने वाला नहीं था यहाँ पे. राजेंद्र नगर में बच्चों का हाल प्रवासी मजदूरों जैसा हो गया भैया, ये मैं कहना चाहता हूँ. और यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी की गलती है ही नहीं भैया, यहाँ पे पूरा सिस्टम जिम्मेदार है. यहाँ पे जो भी हो रहा है यहाँ पे भैया, आप जाओगे आज के डेट में, आप देखो कल से क्या चल रहा है यहाँ पे. जेसीबी से यहाँ पे चीजों को ठीक किया जा रहा है एमसीडी के द्वारा. मैं ये पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े संस्थान है यहाँ पे, बड़े बड़े संस्थान के बड़े बड़े टीचर्स, बिल्कुल जो यूट्यूब स्टार्स बने हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या आपको नहीं लगता उनको इस वक्त सड़कों पे आना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. Don't miss out. Follow One India for real-time updates.